आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर, सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। शादी में डीजे और बाजा बजाने पर काजी साहिबान निकाह ना पढ़ाएं, मुस्लिम तंजीम का मुतालबा। रियासत उत्तर प्रदेश में शादी ब्याह की तकारीब में डीजे और बाजा बजाने पर काजी साहिबान से निकाह ना पढ़ने का मुतालबा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश गाजियाबाद मुस्लिम महासभा ने इस सिलसिले में बयान जारी किया। बयान में कहा गया है कि अगर किसी शादी की तकरीब में डीजे या बैंड बाजा रखा जाता है तो वहाँ निकाह ना पढ़ा जाए। इस सिलसिले में महासभा के कौमी सदर इमरान खान ने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया है। उन्होंने काजी साहिबान से अपील की है कि वो ऐसी शादियों में निकाह ना पढ़ाएं जहां डीजे बज रहा हो या बैंड बाजे के साथ बारात निकाली जा रही हो। शाहरुख खान की फिल्म पठान का बायकॉट करो, जिस थिएटर में लगे उसे नजर आतिश कर दो। अयोध्या के महंत राजू दास की इश्तियालंगेजी। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर तनाजा तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब से फिल्म का नगमा बेशरम रंग रिलीज हुआ है, इसमें भगवा कपड़ा पहने अदाकारा दीपिका पादुकोण को एतराज का सामना करना पड़ रहा है और शाहरुख खान के साथ साथ फिल्म पठान के बायकॉट का मुतालबा बढ़ गया। अब इस सिलसिले में अयोध्या के महंत राजू दास का एक इश्तियालंगेज बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं नाजरीन से अपील करता हूँ कि जिन थिएटर में पठान फिल्म दिखाई जाए उन्हें भी नजर आतिश कर दो, यानी आग लगा दो। राजू दास ने अपने बयान में बॉलीवुड और शाहरुख खान पर इल्जाम आयद किया कि ये दोनों लगातार सनातन मजहब का मजाक बना रहे हैं और इसके खिलाफ सभी को आवाज उठानी चाहिए। महंत राजू दास का कहना है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड लगातार इस कोशिश में रहता है कि किस तरह से सनातन मजहब का मजाक बनाया जाए, किस तरह से हिंदू देवी देवताओं की बेइज्जती की जाए। पठान फिल्म में दीपिका पादुकोण के जरिए बिकनी पहनकर साधु संतों और मुल्क के रंग भगवा को ठेस पहुंचाई गई, ये अफसोसनाक है। राजू दास इतने पर ही खामोश नहीं हुए, उन्होंने शाहरुख खान पर लगातार सनातन मजहब का मजाक उड़ाने का इल्जाम आयद किया और सवाल पूछा कि क्या जरूरत थी फिल्म में भगवा रंग के बिकनी का इस्तेमाल करने की और फहाशत फैलाने की। ये सब हिंदुओं के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए किया गया है, इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वाज़ह है कि शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान 25 जनवरी को रिलीज होनी है, लेकिन इससे पहले ही फिल्म को जबरदस्त तनाजे का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ट्रैक पर वीडियो बनाने का शौक महंगा पड़ा, लड़की समेत 3 हलाक। सोशल मीडिया रिलीज के लिए वीडियो बनाने के दौरान ट्रेन की जद में आकर 3 अफराद हलाक हो गए। ये वाकया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में मसूरी थाने इलाके के कुलूगढ़ी रेलवे गेट के पास रेलवे ट्रैक पर पेश आया। मरने वालों में एक लड़की भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक यह हादसा कल रात करीब 9 बजे पेश आया। पद्मावत एक्सप्रेस गाजियाबाद से मुरादाबाद की सिमत जा रही थी। ट्रेन के लोको पायलट के मुताबिक लड़के और लड़की ट्रेन की पटरियों पर खड़े हुए थे। इनके मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन थी, जिससे ये महसूस हो रहा था कि शायद ये लोग वीडियो बना रहे थे। पायलट ने कई बार सीटी भी बजाई लेकिन वो हटे नहीं और ट्रेन की जद में आकर हलाक हो गए। इनमें से एक नौजवान की शनाख्त 25 साल शकील के तौर पर की गई, जबकि दीगर 2 की फौरी शनाख्त नहीं हो सकी। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर केनाल कामरा ने कहा, इख्तदार के खिलाफ खड़ा होना भी जमहूरी हक है। स्टैंड अप कॉमिक केनाल कामरा ने चारशंबे के रोज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत करने पर एक पोस्ट अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है और साथ ही उन्होंने गैर जानिबदार रहने की कोशिश करने वालों पर तनकीद भी की है। 34 साल स्टैंड अप कॉमिक, जिन्हें माजी में कई बार तनाजात का निशाना बनाया गया और जिनके कई शोज मनसूख किए गए, अब वो इन गैर सियासी शख्सियात की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शिरकत की है। कन्याकुमारी से कश्मीर पैदल मार्च करने का कांग्रेस का यह सफर रवान साल सितंबर माह में शुरू हुआ था। केनाल कामरा ने राहुल गांधी के साथ अपनी तस्वीर शेयर की और बीजेपी हुकूमत पर तंज करते हुए लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ एक हफ्ता गुजारने के बाद मुझे लगता है कि लोग यात्रा पर जाने से कतराते हैं और गैर जानिबदार रहने की कोशिश करते हैं। यह गैर जानिबदारी नहीं है जिसने आपको फैसला करने से रोक रखा है, बल्कि ये खौफ है। इख्तदार के खिलाफ खड़ा होना भी जमहूरी हक है, जैसा कि ये 2014 से पहले हुआ करता था। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप से रकम मिलती रहेगी, सीतारमन ने कहा। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने चारशंबे को लोकसभा में जोर देकर कहा कि अखिलती तलबा के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को खत्म नहीं किया जाएगा और इस सिलसिले में कोई उलझन नहीं फैलाई जानी चाहिए। उन्होंने मनरेगा, NPA और GST पर अपोजिशन के सवालों का भी मुनासिब जवाब दिया और कहा कि उनके तमाम इल्जाम गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। मोहतरमा सीतारमन ने साल 2022-23 के लिए
3.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जिमनी ग्रांट के मुतालबात की पहली फहरिस्त पर लोकसभा में बहस के दौरान अपोजिशन की तरफ से लगाए गए इल्जाम का मुनासिब जवाब देते हुए कहा कि इमदाद जारी रहेगी। ये स्कीम कैनरा बैंक के जरिए चलाई जा रही है और बैंक इस सिलसिले में फायदा उठाने वाले तलबा को ईमेल के जरिए इत्तला भेज रहा है। छपरा में जहरीली शराब से अब तक 30 अफराद की मौत, कुछ की हालत संगीन, कई लोग बीनाई से महरूम। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से अमवात की तादाद बढ़ती जा रही है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक महलुकीन की तादाद 30 तक पहुंच चुकी है और कुछ की हालत संगीन भी बनी हुई है, यानी अमवात की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। जहरीली शराब की वजह से कई अफराद अपनी बीनाई से भी महरूम हो गए हैं। ऐसे माहौल में एक तरफ बीजेपी लीडरान रियासती हुकूमत को तनखीद का निशाना बना रही है तो वहीं दूसरी तरफ बरसर इख्तदार तबके के लीडरान शराबबंदी की हिमायत करते हुए नकली शराब कारोबारी के खिलाफ शदीद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। जहरीली शराब से हो रही अमवात के बाद छपरा में कोहराम मचा हुआ है, कुछ लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बिहार असेंबली में भी बुध के रोज ये मामला जोरों शोर से उठा था और वजीर आला नीतीश कुमार ने बीजेपी लीडरान के खिलाफ सख्त नाराजगी का भी इजहार किया था। उन्होंने शराबबंदी पर सवाल उठाने वाले अपोजिशन लीडरान से कहा था कि जब वो बीजेपी इख्तदार में थे तो शराबबंदी ठीक थी, फिर अब गलत कैसे हो गई। ओम बिरला समेत दीगर लीडरान ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज अकीदत पेश किया। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने जुमेरात को मुल्क के मर्द आहिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। मिस्टर बिरला ने ट्विटर पर लिखा, जदीद हिंदुस्तान के मेमार मर्द आहिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत। उन्होंने कहा कि उनकी यानी सरदार पटेल की जिंदगी मुल्क के इतिहाद और सालमियत को मजीद मजबूत करने के लिए हर हिंदुस्तानी को काम करने की तरगीब देती रहेगी। मिस्टर बिरला के साथ साथ दीगर मरकजी वजरा ने भी ट्विटर के जरिए मर्द आहिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को खिराज अकीदत पेश किया। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीस उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन शाहों के शहर हैदराबाद में, चार मीनार के दामन में, सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786, 9959023786, 9581528002, 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.